इस मॉड्यूल में हमने तीन चीजों को इकट्ठा किया है और उनकी आपस में इंटरेक्शन देखेंगे लाइट आई और वी एम तो लाइट क्या है लाइट दर इज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स जिसकी वेव्स की प्रॉपर्टीज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी डिवाइडेड इन टू सेवरल बैंड्स विच इज बेस्ड ऑन दीज वेव तो जब हम यू आर फेमिलियर विद दिस के अगर हम बीम ऑफ लाइट के आगे एक प्रिज्म रखते तो प्रिज्म है जो इसको डिफ्रेक्ट करता है और uh, उसमें से देन वी कैन हैव द सेवन डिफरेंट कलर्स तो ये डिफरेंट कलर्स क्यों है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेव और uh, इसमें सबसे और ये रेंज करता है जनरली फ्रॉम फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड तो दिस इज द वेव लेंथ of uh, these uh, colours so the electromagnetic spectrum can be divided into several bands which is based on wavelengths as we have discussed before that's real, uh, visible light represents a narrow group of wavelengths between about 380 nm nanometer to 730 nanometer nanometer ke baare bhi humne जिक्र uh, तो किया हुआ है लेकिन इसको रिकॉल करते हैं नैनोमीटर क्या है अगर हम मीटर को एक मीटर लेंथ जिसके अंदर uh, जिसके अंदर हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं उस मीटर को अगर हम एक बिलियन हिस्सों में डिवाइड करते हैं एक, और बिलियन कितना होता है वन वन uh, uh, के साथ नाइन यानी थ्री सेट्स ऑफ थ्री सेट्स ऑफ थ्री जीरोज तो ये अगर मीटर को हम इतने हिस्सों में डिवाइड कर दे तो वो एक एक हिस्सा वन डी अंदर तो सो so, वेव जो है वो इतनी शॉर्ट वे आ, जो कलर्स हैं या आ, इस ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इट हैज डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स ऑफ वेवलेंथ्स और इसमें हमने जिक्र किया कि वैलेट की सबसे कम है और जैसे जैसे हम रेड की तरफ मूव करते हैं तो ये वेव लेंथ बढ़ती जाती है और इसके आगे भी है ये नहीं है कि यहाँ तक खत्म होगी ये तो हमारा है ना विच इज़ विजुअल स्पेक्ट्रम जैसे हम वो स्पेक्ट्रम जिसे हम देख रहे हैं और हालांकि इसके बियॉन्ड भी है विट इज कॉल्ड इन्फ्रा रेड उसे हम नहीं दे सकते और वायलेट से भी पीछे भी है विच इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा वॉलेट और ये देर आर वेरी फ्यू एनिमल्स जैसे Uh, um, कुछ बर्ड्स हैं जो कि विजुअल जो यूवी लाइट भी देख सकते हैं और जबकि इंफ्रा uh, जो है वो भी कुछ ऐसे है एनिमल्स हैं वहाँ तक वहां तक वो वह वह देख सकते हैं नाउ नेचर ऑफ लाइट इज सेट टू बी ड्यूल क्यों ड्यूल कहते हैं क्योंकि इट शोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स और ये फिजिसिस्ट uh, जो हैं वो उन्होंने वर्कआउट किया है In light it, it is composed of photons photons what are these? these are packets packets these are particles are called photons when come into contact with matter